हेलो गाइस, नमस्कार आप सबको। आज हम सीखने जा रहे हैं 3x3 क्यूब। 3x3 क्यूब सबको नहीं आएगा, इसलिए हम आज 3x3 क्यूब सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट आपको कलर करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट कलर करेंगे हम फर्स्ट लेयर करेंगे हम। फर्स्ट लेयर बोले तो तीन कलर इधर होना, तीन कलर इधर होना, तीन कलर इधर, फर्स्ट लेयर हो जाता है। फर्स्ट कलर इधर दो है, हम तीन कलर करेंगे। इधर से निकलकर इधर हम जुड़ाएंगे इसको। फिर हम इसके नीचे क्या है, येल्लो कलर है, येल्लो कलर किधर जुड़ जाता है, इधर जुड़ जाता है, इसलिए हम इधर जुड़ाएंगे। येलो दो हो गए, फिर रेड तीन हो गए। अब हम वाइट करेंगे। वाइट इजी है, वाइट इधर है, वाइट निकाल कर इधर जुड़ाएंगे। इधर दो हो गए, फिर इधर एक सेंटर होना, नहीं इसके नीचे का हम देखेंगे। इसका नीचे का येलो है, येलो किधर जुड़ेगा, येलो इधर जुड़ जाता है, इसलिए हम येलो इधर जुड़ाएंगे। येलो इधर जुड़ गया, सब दो दो कॉर्नर हो गए। अब सेंटर लगाना एक ही बाकी है। सेंटर हम वाइट, फर्स्ट वाइट करेंगे। अब इसका नीचे ऑरेंज इधर है, इसका नीचे येलो, येलो इधर है। फर्स्ट लेयर तो हो गया, देखिए इधर। अब सेकंड लेयर करना पड़ेगा। हम इसको कौन सा कलर जुड़ जाता है ऐसा बोले तो सेंटर में का कलर जुड़ जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा रेड रेड, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, वाइट वाइट, रेड रेड, सब जुड़ जाना पड़ेगा। फिर अब टी बनाना पड़ेगा। टी मतलब ऐसा टी ऐसा बनाना पड़ेगा। कौन सा कलर करना है हमारे को, येलो ऑरेंज बोले तो ऑरेंज, वाइट रेड, कौन सा टी बन जाता है उसको टी बनाना पड़ेगा। हमारा पास वाइट बन गया है, वाइट टी बन गया, तो सेंटर में का नीचे का कलर ऑरेंज है, ऑरेंज इधर जुड़ जाता है। हम इधर ये कलर इधर जुड़ेंगे। इधर वाइट एंड ऑरेंज जुड़ गया है, इधर रेड भी जुड़ गए, ये कलर हो गया। फिर हम येलो का, येलो टी बन जाता है कि नहीं देखेंगे, ये नहीं बन रहा। ऑरेंज देखेंगे, ऑरेंज भी नहीं बन रहा। फिर हम इस नहीं बन रहा है बोले तो हमारे को एक फॉर्मूला मारना जोड़ाना पड़ेगा। एक नीचे और एक इधर और एक ऊपर और एक नीचे का इधर करना पड़ेगा, और नीचे कर हमारे को ये जोड़ाना पड़ेगा। फिर जोड़ाने के बाद फिर टी बनता है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये नई टी बन रहा है, येलो येलो टी बन गया। इसके नीचे रेड है, रेड इधर जुड़ जाता है, इसलिए इधर जुड़ाना पड़ेगा। जुड़ गया येलो और ऑरेंज टी बन गया है, लेकिन इसका कलर ब्लू है, ब्लू इधर नहीं है। ऑरेंज
नहीं जुड़ रहा, येलो देखेंगे, येलो टी बन गया, इसका नीचे का कलर ऑरेंज है, ऑरेंज इधर जुड़ जाता है इसलिए हम इधर जुड़ाएंगे। इधर जुड़ गया, सेकेंड लेयर भी हो गया। अब हम करेंगे थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इजी है ये भी। थर्ड लेयर मतलब हम इधर सब प्लस माइनस करना पड़ेगा। हम फर्स्ट करेंगे एल, नीचे एल बन जाता है, एल ऐसा पकड़ना पड़ेगा हमारे को, एल हम एल एल का शेप ऐसा रखना पड़ेगा। इसको एक फार्मूला मारना पड़ेगा, फार्मूला मतलब ये फार्मूला करे तो ही ये कलर बन जाता है वरना नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा एल पकड़ना पड़ेगा। हम फार्मूला मारेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को राइट का नीचे कर नीचे का इस तरफ करना पड़ेगा, फिर राइट ऊपर कर हम क्यूब टर्न करके फिर नीचे का इधर कर ये लेफ्ट का नीचे करना पड़ेगा, ये टू टाइम्स फिर आना पड़ेगा इस तरफ, फिर आने के बाद लेफ्ट ऊपर कर फिर नीचे का इधर लेफ्ट के टाइप टर्न करना पड़ेगा, फिर राइट नीचे लाकर ये जुड़ाना पड़ेगा। हो गया कलर, और नीचे का इधर प्लस बन जाता है, प्लस बन गया। हम ये एक प्लस बनने के बाद इधर भी प्लस बनाना पड़ेगा, ऐसा दो प्लस बनते हैं, दो प्लस बन गए, इधर नहीं बने हैं इसलिए हम इसको भी फार्मूला मारना पड़ेगा। हम इसको फार्मूला बनाएंगे, एक ऊपर और ऊपर का दो तरफ लेफ्ट लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा, फिर राइट का नीचे और फिर राइट का इधर घुमाना पड़ेगा, फिर राइट ऊपर, फिर राइट इधर नीचे राइट तरफ टर्न करना पड़ेगा, फिर राइट का नीचे करना पड़ेगा, फिर हो गया हमारा फार्मूला। और एक ऐसा घुमाना पड़ेगा, प्लस किधर हो गए किधर कि नहीं, सब तरफ प्लस प्लस हो गए, ऑरेंज वाइट रेड येलो। हम हमको कॉर्नर देखना पड़ेगा, कॉर्नर ये तीन कलर का कॉर्नर इधर रखना पड़ेगा, ब्लू इधर ही है, येलो इधर ही है, ऑरेंज भी इधर ही है, ये कॉर्नर बन गया है, रेड इधर ही है, ब्लू इधर ही है, येलो दो बन गया है तो ये भी दो बन जाते हैं, ये कॉर्नर बन गए। अब हम आर डी मारना पड़ेगा, आर डी मतलब ये इधर जुड़ाना पड़ेगा, ये इधर जुड़ाना पड़ेगा, ये फुल बन गया, फिर एक ही बनाना पड़ेगा हमको। आर डी मतलब इजी रहता है, एक नीचे और एक इधर एक ऊपर, फिर इधर कर टर्न कर फिर ऐसा ही नीचे करना पड़ेगा, ये जुड़ गया, फिर एक इधर घुमाना पड़ेगा, फिर नीचे का इधर घुमाना पड़ेगा, फिर इसको इधर जुड़ाना पड़ेगा, ये भी जुड़ गया, फिर एक नीचे कर ये इधर टर्न कर फिर इसको भी जुड़ाना पड़ेगा। ये भी जुड़ गया, फिर एक ही बाकी है, फिर ये नीचे का इधर करना पड़ेगा, फिर आर डी मारना पड़ेगा। हो गया हमारा कलर, क्यूब सॉल्व हो गया। इतना ही है इजी मेथड।